नमस्कार बच्चों, आज हम लोग जेएनवी के लिए आप देख सकते हैं मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं बच्चों। हम इस वीडियो में जेएनवी के लिए बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करा रहे हैं। बच्चों जो मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज सवाल बता रही थी वो तो चलेगा ही बच्चों, बट मैं आज ही इन प्रश्नों को पा गई बच्चों कहीं से, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को हल करा दिया जाए। बच्चों ये क्वेश्चन मिले कहाँ से मुझे, तो मेरे कोचिंग में जो जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं उनके बच्चों उनके ये टेस्ट हुए थे, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के भी ये क्वेश्चंस को दिया जाए। तो सबसे पहले बच्चों जो बच्चे हल करना चाहते होंगे वो सभी आप देख सकते हैं यहाँ प्रश्नों को मैंने लिख दिया है इसलिए ताकि आप लोग हल कर सके। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक के हल कर लीजिए, फिर आगे इस वीडियो में हम आप लोगों को हल भी बताने वाले। अपने अपने हल को लेके बच्चों बैठे रहिए। देख सकते हैं आप मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिया कि और पहले और दूसरे नंबर क्वेश्चन में दिया है बस, तो आप आंसर का मतलब नहीं गेस कर सकते हैं कि आपका सही ही होगा। ऑप्शन होता थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस हो जाती है कि हाँ यार ऑप्शन में है तो लगता है सही ही हो जाएगा, बट ऐसा कुछ मैंने इसलिए नहीं दिया है। तो आप लोग हल करके बैठे रहिए, जैसे जैसे हल करते जाएंगे आप हल भी देख लीजिए साथ ही साथ उत्तर को भी अपना मिलान कर लीजिए। चलिए बच्चों बिना देर करते इस वीडियो को कर देते हैं हम शुरू। सबसे पहले हम इस प्रश्न को हल करेंगे जो यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि दूध के एक डिब्बे में 48 लीटर दूध डालने पर पूरा भर जाता है, इसका 7/12 भाग भरा हुआ, यदि आधा दूध निकाल लिया जाए तो कितना दूध डाला जाए तो पूरा भर जाएगा। बच्चों इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दूध का कोई एक डिब्बा है, क्या है, कोई एक दूध का डिब्बा है, मान लेते हैं ये डिब्बा है, ठीक है, ऐसे करके कुछ। अगर ये दूध का डिब्बा है इसमें इसकी जो धारिता है बच्चों, इसमें इसकी जो क्षमता है वो कुल कितना है 48 लीटर, मतलब आप समझ सकते हैं कि इस डिब्बे में कुछ कुल 48 लीटर दूध आ जाता है, ठीक है, 48 लीटर दूध डालने पर पूरा भर जाता है, इसका 7/2 भाग। देखिए इस डिब्बे की पूरी धारिता कितनी है 48 लीटर, कितनी है 48 लीटर, लेकिन बच्चों इस 48 का 7/12 भाग ही भरा है, मतलब आप देख लीजिए 48 का 7/12 काम इसे क्या होता है बच्चों गुणा होता है, तो देखिए कितना भरा हुआ है, 12 चौके 48 और 7 चौके 28 यानी 28 लीटर ये भरा हुआ है बस, कितना भरा हुआ है 28 लीटर, कितना भरा हुआ है बच्चों 28 लीटर। अब बाकी क्या है ये खाली है, बाकी क्या है ये खाली है। फिर कह रहा है कि यदि आधा निकाल लिया जाए, आप हमें बताइए जो भरा है उसी में से तो आधा निकाला जाएगा ना, तो 28 का जब हम आधा निकालेंगे तो क्या आएगा बच्चे 14 लीटर, यानी 14 लीटर दूध क्या कर दिया गया निकाल लिया गया। आप बताइए 28 लीटर भरा था 14 लीटर निकाल लिया गया, अपर भी कितना भरा है, अपर भी उसमें 14 लीटर भरा है, कितना भरा है बच्चों 14 लीटर। आप हमें बताइए कि इस टोटल जो डिब्बा था उसकी धारिता कितनी थी 48 लीटर, यदि उसमें 14 लीटर बस खाली दूध है तो और कितना डाला जाए, भाई पूरा आता 48 लीटर था और उसमें केवल 14 लीटर भरा है, तो यानी इस 14 लीटर को इसमें हम घटा दें तो यहाँ 4 यहाँ 34 लीटर बच्चों इसमें दूध और डाला जाए तब कहीं जाके यह क्या होने वाला है भरने वाला है, ठीक है, 34 लीटर दूध यदि इसमें और डाला जाए बच्चों तब ये क्या कहते हैं तब ये जो डिब्बा है वो जाके भर जाएगा। आई होप आप इन प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे बच्चों, इन सारे क्वेश्चन को मैंने एक बार करा दिया है, केवल रिवीजन के लिए मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग कितना पढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। इसे भी मिटा दे रहे हैं, अब ये प्रश्न हल हो चुका है। चलिए अब बोर्ड एकदम क्लीन इस साइड का, अब इधर देखते हैं इधर के सवालों को हल करते हैं। कह रहा है कि जब एक व्यंजन 35 - 635.624 ऐसे नहीं पढ़ सकते बच्चों, दशमलव के बाद प्रत्येक अंक को बारी बारी से पढ़ते हैं, आप 35.624 नहीं पढ़ सकते, ठीक है, हम पढ़ेंगे 35.624 - 26.510 को 14 से भाग दिया जाए तो बताइए भागफल क्या आने वाला। थोड़ा सा क्वेश्चन को हम अपने यहाँ लिखते हैं, कह रहा है कि 35.624 - 26.510 को यदि घटा के किससे भाग लगाना है बच्चों 14 से, कुछ यूं समीकरण बनेगा ना, तो इसे पहले हम लोग घटा लेंगे, तो इसमें से 4 में से 0 जाएगा तो इधर 4 ही आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा, इधर बचेगा 9,
35 में से 26 जाएगा तो 9 भागे कितना है बच्चों, 14 है। ठीक है, क्या है, 14। तो आप चाहे दशमलव हटा के भाग कर लीजिए, देखिए दशमलव के स्थान पे एक, दशमलव पीछे 3 अंक तो 3 जरूर, आप दशमलव हट गया। अब इसका जो बच्चों आप भाग लगाएंगे तो 651 आएगा, क्या आएगा, 651। अब 3 अंक के बाद फिर दशमलव लगेगा, तो उत्तर क्या आ गया, 651/1000। लेकिन देखिए क्या ये ऑप्शन में है, नहीं, ऑप्शन में दे रहा होगा दशमलव में। तो 1 2 3 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। ये नियम भी बने बता, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो समझे मैंने इसको कैसे किया। आप भाग करते फिर भी उतना ही उत्तर आता। देखिए होता क्या है कि हर में जितना जीरो रहते हैं गिन लेते हैं, और अंश में इस साइड से गिन के उतने अंक के बाद हम लोग दशमलव लगा देते, हर में 3 जीरो थे तो 1 2 3 दशमलव लगा दिए। देखिए राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि पहली 10 विषम संख्याओं का योगफल बताइए। बच्चों पहली 10 विषम संख्याओं का योगफल बताइए, ये चैप्टर आपके पहले ही चैप्टर की है। किस चैप्टर की है, पहले ही चैप्टर की है। मैंने बोला था आप लोगों से पहले भी किस प्रकार के क्वेश्चन कुछ देखने के लिए आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली 10 विषम संख्याओं का योगफल बताना है। तो पहली 10 यानी आप समझ सकते हैं कि अंतिम संख्या बराबर 10 दिया है। कितना दिया है, अंतिम संख्या बराबर 10 दिया है। तो आप हमें बताइए कि विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बच्चे कमेंट में बताएं, हम इंतजार कर रहे हैं। जल्दी जल्दी हमें बताएं कि विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा चुके हैं, बताइए बच्चों। तो विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर। क्या होता है, एन स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, एन स्क्वायर। तो अब देखिए यम यहाँ पे कितना है, 10। यदि हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 100। यानी अगर आप पहली मतलब प्रथम से अगर जैसे दो, वैसे विषम बोला है, क्या बोला है, विषम। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 यदि आप इसे जोड़ लेंगे तो बच्चों 100 ही आएगा। जोड़ने वाली जो विधि होती है वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेती है, क्या करती है बच्चों, थोड़ा सा वक्त ज्यादा ले लेती है। इस वजह से ये फार्मूले को मेड किया गया है, बनाया गया है। आप समझ सकते हैं बच्चों, क्लास 6 के बच्चे थोड़े से समझदार होते हैं, तो मतलब थोड़ा आप समझिए कैसे हल करेंगे, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर सवाल आप देखिए हमारी। 3 नंबर सवाल में बच्चों आपसे कह रहा है क्या, पैटर्न हल करना है। मैंने पहले ही कहा था कि पैटर्न में जो सवाल आती है वो बच्चों सीरीज बना के दे देती है। क्या कर देती है, सीरीज। ज्यादातर पूछता है, जब मैं तीसरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट सवाल करा रही थी तब भी मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों, यहाँ पे जो खाली स्थान है उसमें क्या अंक भरा जाएगा, आप हमें ये बताइए कि ये जो खाली स्थान है इसमें क्या अंक भरा जाएगा, कौन सा नियम आप पैटर्न का लगा रहे हैं कि वहां पे हम कौन सा अंक भरेंगे। तो चलिए आइए आपको बता देते हैं। तो देखिए अगर देखा जाए बच्चों, तो यहाँ +3 किया गया और यहाँ +4 किया गया, यहाँ +7 किया गया, यहाँ +11 किया गया। अब यहाँ क्या आएगा, तो अगर आप देखिए इतना ठीक है, देखिए यहाँ 4 3 7 7 4 11 ऐसे कुछ चल रहा है ना, देखिए 4 3 7 देखिए यहाँ 3 जोड़ा गया, यहाँ 4 जोड़ा गया, फिर इन दोनों को जोड़ के जो आया जैसे 4 3 7, अब इस 11 में 7 जोड़ दिया 18, फिर 7 4 11 18 में 11 जोड़ दिया 29। अब बारी है बच्चों इन दोनों की जोड़ने की। यदि हम 11 और 17 को जोड़ ले तो क्या जाएगा, 18। और 18 को बच्चों हम लोग कहाँ जोड़ दें, 18 को हम लोग किसमें जोड़ देंगे, 18 को हम लोग 29 में जोड़ देंगे। किसमें जोड़ देंगे, 29 में। तो अगला पद हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा, थोड़ा सा आप फिर समझिए, हम मिटा फिर लिखते हैं। देखिए देखा जाए तो 4 में 3 जोड़ा गया तो 7 आया, 4 7 में 11 जोड़ा, 4 जोड़ा गया तो 11 आया, 11 में 7 जोड़ा गया तो 8 आया, 18 आया, 18 में 11 जोड़ गया तो 29। अब इसमें क्या जोड़ दे कि वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। तो आप एक चीज यहाँ अनुभव कर रहे होंगे कि 4 3 7 यानी इन दोनों का योग यहाँ जुड़ा, क्योंकि यहां तक देखिए कोई पैटर्न 3 4 5 ऐसे लगता तो ठीक था, लेकिन फिर देखा यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 7 डायरेक्ट यहाँ 11, कोई पैटर्न ही नहीं लग रहा है। तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि 4 3 7 हो जा रहा है।
सात चार ग्यारह, अब ग्यारह सात क्या होना चाहिए था, अठारह, क्या होना चाहिए था, अठारह, ग्यारह सात क्या होगा बच्चों, अठारह। अब आप करिए क्या, अठारह को उन्तीस में जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, उन्तीस प्लस अठारह सात, यहां आ जाएगा सैतालीस, कितना आ जाएगा बच्चों, सैतालीस। देख लीजिए इस प्रकार के सवाल बहुत ज्यादा पेपर में पूछ लेता है, ठीक है, थोड़ा आप केयरफुली, आपका पेपर भी बहुत नजदीक है, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और आप लोग फिर से उसी मेहनत पे आ जाइए जिन बच्चों ने भी ढिलाई बरत दी होगी। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि ये संख्या लिखी हुई, इसमें से हमें अभाज्य संख्या का योग बताना है, इन सारी संख्याओं में से आपको अभाज्य संख्या छांटनी है और उसका योग बताना है। तो चलिए सबसे पहले अभाज्य यहीं पे छांट लेते हैं, तो ये सत्रह अभाज्य है, तेरह अभाज्य है, इकतालीस अभाज्य है और इकतीस और दो अभाज्य है। चलिए सत्रह प्लस तेरह प्लस इकतालीस प्लस दो प्लस इकतीस, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है बच्चों, अभाज्य, इनको ही हम लोग जोड़ लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग जोड़ सकते होंगे, ऐसे जोड़िए, चलिए जोड़ते हैं, तीन चार, चार तीन सात, सात चार, सात चार ग्यारह, एक आएगा यहां से, अब देखिए चार तीन सात, सात एक आठ, आठ एक नौ, एक दस, एक सौ एक, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, सत्रह तेरह इकतालीस इकतीस सही तो है, इसको जोड़ेंगे तो यहां आ जाएगा तीस, क्या आ जाएगा तीस, ठीक है, इसको यहां जोड़ेंगे तो तिरालीस आ जाएगा। अब तीस तिरालीस और इकतीस, अरे बच्चों यहाँ एक सौ चार आएगा, क्या आएगा एक सौ चार, अब ये सही है, ठीक है। आपको केवल अभाज्य संख्या इसमें से छांट के क्या करना था, उसे ऐड कर देना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप अगला क्वेश्चन में आप लोगों को भिन्नों का जोड़ दिया है, क्या दिया है बच्चों, भिन्नों का जोड़ दिया है, चलिए फिर उसे भी कर लेते हैं। पहले यहां लिखते हैं, आप लोगों को बिल्कुल बहुत ही सिंपल मेथड बताएंगे, तुरंत हल होगा, बिल्कुल भी टाइम आप लोग इसमें नहीं वेस्ट कर पाएंगे। तो देखिए ये सात पूर्ण है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अभी अभी मैंने दशमलव में चिन्ह करने का नियम बताया कि जितना अंक, जितना नीचे जीरो हो उतने अंक के बाद दशमलव हम लगा देंगे, है ना। तो चलिए यहाँ सात को ऐसे ही रखते हैं, एक अंक है तो एक अंक के बाद दशमलव, दो अंक है तो दो अंक के बाद दशमलव, तीन अंक है तो तीन अंक, बस आएगा आंसर सात दशमलव चार नाइन एट, यही हो जाएगा उसका उत्तर, जोड़ लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल था ये वाली, ये पांचवा नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका था बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने बहुत सिंपल कर दिया जो दशमलव वाला रूल आप लोगों को समझाया। उसके बाद का देखिए कह रहा है बच्चों आप लोगों से, चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन आप यहाँ समझिए बच्चों, देखिए क्या है क्वेश्चन कि छह चार दो एक और जीरो से सबसे छोटी संख्या बनाइए, किससे किससे बच्चों, छह चार दो एक जीरो से हमें सबसे छोटी संख्या का निर्माण करना है। तो सबसे पहले आप लोग मेरी बात सुन लीजिए, जिन बच्चों ने मेरा पहला नंबर चैप्टर देखा होगा, ये फर्स्ट नंबर की ही बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर की ही सवाले हैं, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, जब भी छोटी से छोटी संख्या बोलता है बनाने के लिए, दी हुई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या को आगे रखते हैं, तो सबसे छोटी संख्या चार, फिर एक, फिर दो, फिर छह, फिर चार, लेकिन वो बच्चे हमें बताएं, अब हमें बताएं क्या जीरो का कोई महत्व है यहाँ पे, अब जीरो का कोई महत्व है नहीं, हमसे तो पांच अंकों की बनाने के लिए बोला था, यहाँ तो चार अंक की ही बनी है। तो इस स्थिति में बच्चों हम लोग करेंगे कुछ नहीं, जीरो के बाद जो बड़ी होगी उसे आगे करेंगे, जैसे जीरो के बाद बड़ी एक थी, अब जीरो, फिर दो, चार, छह, अब राइट है, क्यों बच्चों ध्यान रहे जितना अंक दिया था यहाँ उतने ही अंकों से हमें बनाना था, आप जीरो को गायब कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग ये वाला लिख देते, ये वाला आप सोचिए, अगर हम लोग ये वाला लिख देते बच्चों तो क्या ये वैल्यू हमारी सही थी, कहां उतने ही अंक से बना, जीरो तो आगे आ गया और आगे जीरो का कोई महत्व नहीं होता, किसी भी संख्या के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं, दशमलव के पीछे जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो यहाँ जीरो लगाने से हमें क्या फायदा है आप बताइए। तो इस वजह से इस एक को आगे कर दिया और इसको यहाँ ला दिया, अब देखिए जीरो का भी महत्व बन गया
छोटी से छोटी संख्या भी तैयार हो गई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर सवाल आप देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पांच अंकों की घनत्व। ठीक है, यहाँ पांच अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर। बच्चों पांच अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना। किसकी? पांच। तो जब पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या लिखेंगे? पांच नौ लिख देंगे। और जब छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो पांच में से एक घटाएंगे तो चार आएगा, यानी चार जीरो लिख के और फिर एक लिख दे, इसी का अंतर पूछ रहा है ये। इसका आंसर आगे तो बहुत सिंपल थी। ये दोनों ये सवाल पहले नंबर चैप्टर की। देख लीजिए, तीन सवाल यहाँ पहले नंबर चैप्टर से उठ गए, ये भी पहले से ही है, घबराइए नहीं, अभी देखिए। चलिए, आई होप समझ आई होगी बच्चों, चलते हैं आगे। चलिए आगे देखिए, आगे हमसे कह रहा था कि 360, 108 और 252 का मासा बताना है। क्या करना है बच्चों? 360, 108 और 252 का मासा बताना है। क्या बताना है? मासा। देखिए, मासा निकालने की दो विधियां, आप चाहे जैसे निकाल लीजिए। तो हम निकालते हैं भाग विधि से। भाग विधि में बच्चों जो सबसे छोटी संख्या होती है उसके बाद जो बड़ी संख्या होती है उसमें भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या 108 और उसके बाद बड़ी कौन है? 252। तो पहले इसमें इन दोनों से भाग लगाना शुरू कर, तो दो बार जाएगा तो 8 × 2 = 16, ये 216 आएगा। यहाँ घटाएंगे तो या 36 हो जाएगी। अब ये संख्या यहाँ उतर आई, आप लोगों को भाग आता होगा। अब उसके बाद इसे काटते हैं हम लोग, कितने बार? तीन बार खत्म हो जाएगा। अब इस 36 में भाग बची हुई हमारी 360 में लगाएंगे तो सीधा सीधा 10 बार जाएगा और पूरा खत्म। यानी मासा बच्चों हमारा क्या हो गया? 36 खत्म। बहुत सिंपल थी। मासा वगैरह तो आप लोगों को ऐसे फटाफट आना चाहिए बच्चों, क्योंकि पेपर आप समझ सकते हैं कि देखिए पेपर आपके होने में कुछ खास टाइम नहीं बचा है बच्चों। तो जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे होंगे वो फिर से स्टार्ट कर दें, क्योंकि पेपर होने में आप लोगों के कुछ ज्यादा टाइम नहीं। आप लोग वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारी न्यूज देख रहे होंगे, मैं भी वीडियो नहीं बना रही हूँ बच्चों, क्योंकि अभी दहा तक आप देख पा रहे होंगे कि पूरा हमारे यहाँ के जो नवोदय है उसकी तो डेट बिल्कुल भी नहीं अभी पता चल रही है। तो मैं इसलिए वीडियो नहीं, जिस दिन आपकी डेट वाकई में पूरे भारत में घोषित कर दी जाएगी उस दिन हम भी वीडियो डाल देंगे। अभी मैंने बहुत से चैनल पर देखा, आ तो गया है लेकिन कोई अर्थ नहीं है, वो किसी अदर राज्य के हैं, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो क्या फायदा? हमारे यहाँ का तो हम तो देखे भी, अब पता नहीं हमारे यहाँ का कब होगा, उनके यहाँ का कब होता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं? हर राज्य के नवोदय के प्रिंसिपल अलग अलग है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला हो गया, ये वाला अभी से आते हैं। यहाँ बच्चों आप लोगों को क्या क्या बोले थे कि अक्सर सवाल दे देता है, इसको आपको वैल्यू बताना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब संख्या बहुत सारी दिखे या बीच में कहीं गुणे का चिन्ह, मतलब हर जगह गुणे का चिन्ह हो और बीच में कहीं जीरो हो तो आंसर जीरो आएगा। लेकिन बच्चों मैंने कहा था हर जगह गुणे का चिन्ह, यहाँ एक जगह प्लस का चिन्ह है। क्या है? प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ से यहाँ 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 आप गुणा करेंगे तो 0 + 700, यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 700 आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्मार्ट बच्चे हैं सब, आगे देखते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि 320 का 68%, 320 का बच्चों 68% परसेंटेज 100 का होता है। नीचे आ गए, 1 0 से 1 0 काट दिया, इसका और इसका गुणा करेंगे। क्या करेंगे आप? 32 × 68 कर लीजिए, बटे में 10, जितना आएगा एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। ठीक है, क्या गुणा करें आप लोग कर लेंगे स्मार्ट बच्चे। इधर देखिए अब कि 3 घंटियां क्रमशः 12 मिनट 15 मिनट 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं, वे एक साथ 10:30 बजे पर बजी थी, फिर एक साथ कब बजेंगी? आपको अच्छी तरीके से रटा होगा कि जब भी घंटी बत्ती वाली सवाल आती है तो दी हुई संख्याओं का लासा निकालते हैं। क्या करते हैं? दी हुई संख्याओं का लासा निकालते हैं। तो 12, 15, 18 का लासा निकाल लेते हैं। 2 × 6 = 12, 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 6, अब कुछ नहीं कटेगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 15, 3 × 3 = 9, 1 × 3 से जाएगा, फिर 1 × 5 से जाएगा। देखिए 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 5 × 2 = 10, 18 और 10 का गुणा यानी क्या हो जाएगा? 180। ये क्या है? 180 मिनट आ गया। इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या देंगे? भाग। तो यानी कितना आ गया? 3 घंटा आ गया। क्या आ गया? 3 घंटा।
यानी 3 घंटे बाद। तो बताइए बच्चों, 10:30 बजे वो 7 बजी थी, यानी अब 3 घंटे बाद वो फिर 7 बजेंगी, तो इसमें हम 3 घंटा जोड़ेंगे, यानी 13:30 बजे वो फिर 7 बजेंगी। 13:30 बजे का मतलब क्या होगा? 13:30 बजे का मतलब क्या होता है? 1:30 बजना। क्या होता है? 1:30 बजना। क्या होता है बच्चों? 1:30 बजना। तो ये 1:30 बजे वो लोग फिर 7 बजेंगे। क्या होंगे वो? 1:30 बजे फिर 7 बजेंगे। ठीक है, चलिए आपका बारहवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बारहवा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 14,400 कम हो तो छोटी संख्या का मान बताइए। बच्चों अगर आपने देखा, मैंने पहले से लेकर 4th चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाले आपको हल कराई, आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं, वही सवाले ज्यादा आए हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। क्योंकि बच्चों उस पूरे चैप्टर में वही सवाले ज्यादा डिफिकल्ट है ही, बाकी सब सवाल थोड़ा सा सिंपल है, तो उसी प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछने के चांस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे भी हल कर लेते हैं। इस सवाल में रखा था, आप लोगों ने पहले भी हल कर लिया इस सवाल को, तो मैंने आपको 2 से 3 बार बताया भी है, हल करने के लिए भी दिया है। तो यहाँ बच्चों यदि एक संख्या दूसरी संख्या से कह रहा है, तो हम मान लेते हैं दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं? यक्ष मान लेते हैं। अब ये जो पहली संख्या होगी, या इससे जानते हैं 14,400 क्या है? कम है। ये देखिए 14,400 क्या है? कम है। अब इन दोनों का योग देखिए दिया होगा, इन दोनों का योग दिया है 12,56,00। तो ये प्लस में, उधर जाके माइनस में, ये दोनों जुड़ के यहां हो जाएंगे 2x, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ 2x आ गया। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो ऐड हो जाएंगे, और 4 6 10 भी हो जाएगा, हाँसी लेख आ जाएगा, यहाँ भी 10 फिर हाँसी लेख, ऐसे जोड़ेंगे तो अभी पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे जोड़ लेते हैं। सही है बच्चों? दो से काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 70,000। क्या आ जाएगा बच्चों? 70,000। सही है, छोटी संख्या ही पूछ रहा था, तो 70,000 में आप इतना घटाइए, 70,000 में इतना आप घटा देंगे, तो घटाने के बाद बच्चों जो आएगा वो आपकी छोटी संख्या हो जाएगी, क्योंकि छोटी यही है, इसमें से इतना घटा देंगे तो जो बचेगा वो छोटी हो जाएगी, तो उसको उत्तर आप लोग कह दीजिएगा। तो बच्चों सारी सवाल जो लिखा था हल हो गया, एक तो सवाल आपके लिए मैं यहाँ पे अभी रख रखी हूँ। ठीक है, तो आप उन सवालों का हमें उत्तर देना चाहेंगे। तो बच्चों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत जरूरी है, क्वेश्चन को आप सुनिए। पंकज ने 4 से 15 अंक कम प्राप्त किए, जो बच्चा इस सवाल को हल करेगा। जेएनवी के बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हो मेरी बात को ध्यान से सुने, जो बच्चा इस सवाल को हल करेगा मैं 100% श्योर हूँ वो बच्चा जरूर पास हो जाएगा। जिसने भी इस प्रश्न को हल किया वो बच्चा जरूर पास होगा, क्योंकि बच्चों ये सवाल जितनी दिखने में सीधी है उतना हल करने में नहीं है। और अगर किसी बच्चे ने इस सवाल में दिमाग लगा लिया, यानी वो कितनी भी घुमा फिरा दे सवाल को हल कर लेगा, क्योंकि ये सवाल भी घुमा फिरा के ही है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा टू बी केयरफुली ध्यान दीजिए और हल करके उत्तर जरूर बताइएगा। सुनिए क्वेश्चन, पंकज ने 4 से 15 अंक कम प्राप्त किए तथा चारू ने कांता से 5 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि इन तीनों ने कुल 112 अंक प्राप्त किए, तो कांता ने जो अंक प्राप्त किए वह है, कांता ने जो अंक प्राप्त किए वह है। तो बच्चों आप हमें कांता का अंक बताइए, मैंने क्वेश्चन आप लोग के समक्ष रख दिया है। अब बात ये करती है किस बच्चे में कितनी क्षमता है, तो आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा वीडियो ये बात कमेंट में बताइएगा। मैंने अपने 100% वीडियो पे आप लोगों को दिया है, जितना हो सकता था मैंने आप लोगों के लिए किया है। तो बच्चों पेपर बहुत ही नजदीक है, आप लोग मेहनत करिए, ज्यादा लापरवाही ना करें, यह आपके खेलने कूदने का टाइम नहीं है। ठीक है, अभी फिक्स डेट नहीं है, हो जाएगी तो पता चल ही जाएगा, इसी चैनल के द्वारा ही आपको पता भी चल जाएगा।
तो साथ ही साथ बताते रहिएगा बच्चों कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो, या फिर कोई चैप्टर अगर रिपीट भी करवाना हो तो वो भी बता दीजिएगा। अभी एक महीने तक पेपर है, उस दिनों में रिपीट हो जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों के अकॉर्डिंग, या फिर जो मुझे पढ़ाना होगा, ठीक है। तो वीडियो को इन तक वॉच करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।